हेलो फ्रेंड्स, ये है जावा इन हिंदी और ये है लेसन नंबर 74। और इस लेसन से हम स्टार्ट करेंगे थ्रेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस लेसन में सीखेंगे कि थ्रेड क्या होता है और थ्रेड को कैसे बनाया जाता है जावा के अंदर, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस। तो इतनी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर सीखेंगे आज, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो व्हाट इज थ्रेड? तो वी कैन डिवाइड अवर प्रोग्राम इनटू मल्टीपल टास्क कॉल्ड थ्रेड। तो आपका जो प्रोग्राम होता है जावा का, उसको आप मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो मल्टीपल टास्क में डिवाइड थ्रेड का यूज़ करके आप कर सकते हो। और यूजिंग थ्रेड वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इनटू सेम प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल टास्क में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? तो हमारा जो प्रोग्राम है तो उसके अंदर कई सारे अलग अलग टास्क होते हैं। यदि आपको वो टास्क एट ए टाइम परफॉर्म करने हैं, ओके, एक ही साथ, तो आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हो। और उसका बेनिफिट क्या है? तो वी कैन यूटिलाइज मैक्सिमम CPU टाइम। ओके, CPU का टाइम हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि CPU का जो प्रोसेसिंग पावर है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग थ्रेड। ओके, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंट बाय शेड्यूलर। ओके, तो CPU शेड्यूलर इसको इंडिविजुअली मैनेज करेगा। ओके, कौन सा थ्रेड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसकी प्रायोरिटी भी आप दे सकते हो। ओके, और ये लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट इसलिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है थ्रेड से। ओके, तो वो छोटी छोटी जो पार्ट होते हैं थ्रेड के, वो उसे लाइट वेट बोला जाता है। ओके, छोटे पार्ट है इसलिए, तो इसलिए थ्रेड जो है वो लाइट वेट कहलाता है जावा के अंदर। ओके, लाइट वेट प्रोसेस। ओके, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी एक प्रोसेस है और उसका एक छोटा सा पार्ट है थ्रेड। ओके, तो इसलिए उसे बोला जाता है लाइट वेट प्रोसेस। ओके, तो थ्रेड क्या है? तो थ्रेड का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके, मल्टीपल टास्क एट ए टाइम आप रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, यानी कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा एट ए टाइम हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये जो इमेज है वो मैंने tutorialpoint.com में से ली है, मैं आपको बता दूं। ओके, तो देखिए डिफरेंस, कई सारे डिफरेंस है, तो सभी डिफरेंस एक एक करके देख लेते हैं। देखिए प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ओके, एक्टिव प्रोग्राम। तो थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंट बाय शेड्यूलर। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। ओके, और थ्रेड जो है वो शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड रन होगा, कौन सा नहीं होगा, पहले रन होगा, कौन सा बाद में रन होगा। तो शेड्यूलर होता है CPU का, तो शेड्यूलर डिसाइड करेगा। प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम फॉर कंटेक्स्ट स्विचिंग एज दे आर मोर हैवी। ओके, थ्रेड रिक्वायर लेस टाइम फॉर कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो प्रोसेस आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड डोंट शेयर मेमोरी। प्रोसेस जो है वो अपनी मेमोरी दूसरी प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करता है। ओके, जबकि थ्रेड मेमोरी शेयर करता है दूसरे थ्रेड के साथ। देखो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम, ओके, देन बिटवीन थ्रेड्स। प्रोसेस कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लगेगा और थ्रेड कम्युनिकेशन में बहुत कम टाइम लगता है। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि पासिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू प्रोसेस। ओके, पासिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू थ्रेड। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, जबकि थ्रेड में कम टाइम लेता है। इफ़ अ प्रोसेस गेट ब्लॉक रिमेनिंग प्रोसेस कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। देखिए यदि एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, यानी कि हैंग हो जाती है, ओके,
तो भी दूसरी प्रोसेस जो है वो अपना काम चालू ही रखेगी, दूसरी प्रोसेस को कोई इफेक्ट नहीं होगी। ओके, जबकि थ्रेड में ऐसा नहीं है, थ्रेड जो है वो डिपेंडेंट है ओके प्रोसेस के ऊपर और दूसरे थ्रेड के ऊपर, तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए थ्रेड जो है, यदि एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो उसके साथ जो भी थ्रेड कम्युनिकेट कर रहा है वो थ्रेड भी ब्लॉक हो जाएगा। ओके, प्रोसेस रिक्वायर मोर रिसोर्सेज देन थ्रेड, प्रोसेस रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज करता है, सॉरी रिसोर्सेज उसको ज़्यादा चाहिए ओके रन होने के लिए, जबकि थ्रेड जो है वो लाइट वेट प्रोसेस है तो उसको रिसोर्सेज कम चाहिए। ओके, इंडिविजुअल प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, तो प्रोसेस जो भी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि थ्रेड आर पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड सो आर डिपेंडेंट। थ्रेड जो है वो प्रोसेस का पार्ट है तो वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। ओके, जबकि प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, प्रोसेस हैव इंडिपेंडेंट डेटा एंड कोर सेगमेंट। ओके, ए थ्रेड शेयर द डेटा सेगमेंट कोर सेगमेंट फाइल्स एटसेट्रा विथ इट्स पीयर थ्रेड्स। ओके, तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डेटा और कोर सेगमेंट उसका अलग होता है। ओके, जबकि थ्रेड का शेयरिंग में होता है, तो इसलिए ये डिफरेंस है। ओके, ऑल द डिफरेंट प्रोसेस आर थ्रेड ट्रीटेड सेपरेटली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो डिफरेंटली ट्रीटेड होती है। ओके, व्हाइल ऑल द यूजर लेवल पीयर थ्रेड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल टास्क बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो प्रोसेस जो भी रन होगी ओके वो सेपरेटली ट्रीट होगी, वाइल थ्रेड जो है वो ग्रुप में ट्रीट होता है। ओके, यानी कि रन होता है। तो प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम फॉर क्रिएशन, वाइल थ्रेड रिक्वायर लेस टाइम फॉर क्रिएशन। प्रोसेस इज रिक्वायर मोर टाइम फॉर टर्मिनेशन, वाइल थ्रेड रिक्वायर लेस टाइम फॉर टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन यानी कि एंड होने की प्रोसेस। ओके, प्रोसेस एंड होने में टाइम लगता है, वाइल थ्रेड को एंड होने में कम टाइम लगता है। तो ये डिफरेंस है प्रोसेस एंड थ्रेड का। तो अल्टीमेटली थ्रेड जो है वो प्रोसेस से लाइट वेट है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके, यानी कि कम टाइम लेता है एग्जीक्यूशन होने में। ओके, अब ये देखिए थ्रेड लाइफ साइकिल। तो ये इमेज है वो मैंने tutorialpoint.com में से ली है। ओके, देखिए थ्रेड लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि थ्रेड को आप स्टार्ट करेंगे और एंड करते हैं। ओके, स्टार्ट एंड एंड, तो इसके बीच की जो प्रोसेस है वो कहलाती है लाइफ साइकिल प्रोसेस। ओके, थ्रेड स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो उसके बीच जो भी प्रोसेस होगी उसे बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। तो ये देखिए, जब भी आप न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर न्यू थ्रेड क्रिएट हुआ, फिर थ्रेड को आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थ्रेड स्टार्ट होता है। ओके, अब रनेबल, रनेबल मतलब कि वो रन होने के लिए प्रिपेयर होता है, फिर रन मेथड कॉल होती है उसकी और रनिंग स्टेट में आता है थ्रेड, यानी कि यहाँ पर थ्रेड रन होता है। ओके, और ये क्या लिखा है, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एक बार रन होने के बाद एग्जीक्यूशन एंड होता है तो वो थ्रेड डेड हो जाएगा। ओके, और जब आप न्यू थ्रेड क्रिएट करते हो और उसके बाद ही उसको डेड कर देते हो, ओके, तो न्यू एंड डायरेक्ट डेड स्टेट में चला जाएगा वो। ओके, तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक आएगी, न्यू रनेबल ओके यानी कि प्रिपेयर होगा थ्रेड, फिर रनिंग स्टेट में आएगा, रनिंग स्टेट में आएगा तो उसकी रन मेथड कॉल होगी, पब्लिक वॉइड रन मेथड थ्रेड के अंदर हमेशा आपको लिखनी होती है। ओके, तो जब भी थ्रेड क्रिएट करे तो उसके अंदर पब्लिक वॉइड रन मेथड होनी चाहिए, तो वो रनिंग स्टेट में आएगा, रनिंग स्टेट में यानी कि रन मेथड उसकी कॉल होती है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए स्लीप एंड वेट। तो आप एक थ्रेड को स्लीपिंग मोड में डाल सकते हो, स्लीप मोड में यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसका एग्जीक्यूशन आप पॉज कर सकते हो। ओके, स्लीप मोड कहते हैं उसे, थ्रेड एक
रनिंग मोड में है आपका, और एक ऐसा टाइम आता है जब थ्रेड को आप स्लिप करवाना चाहते हो, यानी कि पॉज करवाना चाहते हो, ओके, तो करवा सकते हो यूजिंग स्लिप मेथड। और वेट लिखा है, तो वेट का मतलब क्या है कि थ्रेड को आप वेटिंग स्टेट में डालते हो, यानी कि दूसरा स्टेट रन हो जाए, दूसरा थ्रेड रन होने के बाद इसको आप रन करवाना चाहते हो, ओके, तो करंट थ्रेड को आप वेटिंग स्टेट में डाल सकते हो, ओके। तो जब भी आप स्लिप करोगे या फिर वेट करोगे थ्रेड के साथ, तो वो वेटिंग स्टेज कहलाता है, ओके। तो वेटिंग के बाद आप डेड आप उसको करवा सकते हो, ओके, तो यहाँ पर थ्रेड डेड हो जाएगा। तो ये है हमारी थ्रेड की पूरी लाइफ साइकिल। तो कई बार डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्हाट इज थ्रेड एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाना होता है उधर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू क्रिएट थ्रेड। तो थ्रेड आपको बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहली मेथड, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। आप थ्रेड क्लास जो है वो जावा के अंदर अवेलेबल है, उसको एक्सटेंड करके थ्रेड बना सकते हो। दूसरी मेथड है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। तो रनेबल इंटरफेस अवेलेबल है जावा के अंदर, उसको आप इम्प्लीमेंट करके भी थ्रेड बना सकते हो, ओके। देखिए अगली स्लाइड, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। तो थ्रेड का ये एग्जांपल है पूरा, देखिए यहाँ पर क्या किया, क्लास ए मैंने बनाया, एक्सटेंड थ्रेड, तो टी कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि थ्रेड जो है वो जावा के अंदर क्लास है, ओके। और थ्रेड क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, तो उसके लिए आपको अलग से पैकेज इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड, देन पब्लिक वॉइड रन मेथड। देखिए मैंने बोला था कि थ्रेड जब भी आप बनाओ तो उसके अंदर ये रन मेथड होनी चाहिए, पब्लिक वॉइड रन, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहो, लॉजिक अपना, वो लिख सकते हो, ओके। तो ये देखिए क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड, तो क्लास ए जो है वो थ्रेड बन जाएगा, ओके। अब नीचे देखिए दूसरा क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास थ्रेड डेमो वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, ओके, क्योंकि ए क्लास अब थ्रेड की तरह काम करेगा, ओके। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, देन ए डॉट स्टार्ट, ओके। ये देखिए स्टार्ट मेथड जब भी आप करोगे तो थ्रेड स्टार्ट होगा। थ्रेड स्टार्ट होगा उसका मतलब क्या है कि पब्लिक वर्ड रन मेथड उसकी कॉल होगी, ओके। और उसके अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, तो हेलो आउटपुट आएगा, ओके। इस तरीके से आप थ्रेड बना सकते हो बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, ओके। क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड, देन पब्लिक वॉइड रन मेथड। उसके बाद क्या करना है, वॉइड मेन के अंदर ये जो क्लास बनाया आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लाइफ साइकिल, स्टार्ट यहाँ पर लिखा है, ओके। तो जब भी थ्रेड स्टार्ट होगा तो क्या होगा, रन मेथड उसकी कॉल होगी और वो रनिंग स्टेट में आएगा, ओके। और जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होगा तो क्या होगा, वो थ्रेड का एंड हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम एंड होगा या फिर रन मेथड जो है वो अपना काम पूरा कर लेगी तो थ्रेड का एंड हो जाएगा, ओके। तो ये एग्जांपल है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अब दूसरा एग्जांपल, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ओके। ये देखिए क्लास ए इम्प्लीमेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पर, रनेबल, ओके, आर कैपिटल। तो ये रनेबल इंटरफेस, उसके अंदर पब्लिक वॉइड रन मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसको इम्प्लीमेंट करनी है आपको, ओके। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए यहाँ पर एक्सटेंड थ्रेड लिखा है, यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि रनेबल इंटरफेस है तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट्स लिखना होगा, ओके। और यहाँ पर देखिए क्लास बनाया हमने थ्रेड डेमो वन वॉइड मेन मेथड। अब क्या करना है आपको कि जब भी आप रनेबल से इम्प्लीमेंट करेंगे, रनेबल को इम्प्लीमेंट करोगे आप, तो एक क्लास जो है
वो थ्रेड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि रनेबल जो है वो क्लास नहीं है, इंटरफेस है। ओके, याद रखिए कि रनेबल इंटरफेस है। तो हमारा जो क्लास है ए क्लास, वो थ्रेड की तरह काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, और फिर थ्रेड क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड और इनटू ब्रैकेट आप ए लिख दीजिए, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी आप रनेबल को रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे, तो याद रखिए कि आपको अलग से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप ए डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो रन नहीं होगा, एरर आएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, एक्सटेंड थ्रेड और डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना के ए डॉट स्टार्ट लिख सकते हैं, जबकि रनेबल से आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पर थ्रेड का अलग से ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा ए, यानी कि करंट जो हमारा क्लास है थ्रेड रनेबल वाला, उसको। फिर आप टी डॉट स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है टी, तो टी डॉट स्टार्ट लिख सकते हो, और उसके बाद स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, पब्लिक वेट रन मेथड कॉल होगी, हेलो आउटपुट में आएगा और हमारा थ्रेड जो है वो एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आपको कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल, दोनों का हम एग्जांपल यहाँ पर रन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लास ए बनाया है, क्या लिखा, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ओके, यहाँ पर क्या लिखना होगा, पब्लिक वॉइड रन मेथड। ओके, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड हेलो। ओके, और यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ए क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू ए, देन थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड इनटू ब्रैकेट ए, देन टी डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रेड बनाया जाता है, ये सिंपल एग्जांपल है। अगले दो तीन लेक्चर में हम धीरे धीरे सभी थ्रेड की मेथड समझेंगे। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए जावा सी थ्रेड डेमो वन डॉट जावा, ओके, एंड जावा थ्रेड डेमो वन, ये देखिए हेलो आउटपुट आ गया, ठीक है, जैसे कि हमने पावर पॉइंट पीपीटी में बताया था। और दूसरी मेथड क्या है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड टी कैपिटल, पब्लिक वेट रन मेथड, और ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर ए डॉट स्टार्ट। ओके, इस तरीके से देखिए जावा सी तो भी हेलो आउटपुट आएगा। ओके, तो आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने थ्रेड क्रिएट हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल आप फॉर लूप यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हो इस तरीके से ए ए इक्वल टू न्यू ए, ये हमने कहाँ पर रख दिया, फोर लूप के अंदर, और फोर लूप फाइव टाइम्स रोटेट होती है यहाँ पर, जीरो से लेकर फोर तक, तो फाइव ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे थ्रेड के और थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए जावा सी जावा, तो आउटपुट क्या आया, फाइव टाइम्स हेलो आउटपुट आएगा। ओके, इसका क्या मतलब है
कि हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर 5 थ्रेड क्रिएट किए और रन किए, ओके। तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि 5 टास्क हमने परफॉर्म किए, ओके, एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, ओके। हमने यहाँ पर एक ही क्लास बनाया, देखिए क्लास ए एक्सटेंड थ्रेड, यहाँ पर आप दूसरा क्लास भी बना सकते हो, क्लास बी एक्सटेंड थ्रेड। तो एक क्लास के अंदर 2 थ्रेड बन जाएंगे अलग अलग, ओके। यदि आप तीसरा क्लास बनाते हो तो 3 थ्रेड बन जाएंगे। इस तरीके से भी आप थ्रेड बना सकते हो, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।